जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज अग्निवीर से रिलेटेड आज हम रीजनिंग की स्पेशल क्लास यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि आपके आर्मी जीडी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। रीजनिंग का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें आज हम यहाँ पे सीरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप के सीरीज के आज हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें नंबर सीरीज का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेशन रहेगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा सीरीज के डिटेल में पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊंगा कि सीरीज के क्वेश्चन को कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है वो इसका हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें 20 से ज्यादा क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो साथ साथ में आप हमारे साथ यहाँ पे बने रहें, विजयपथ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक लगा हूँ बताने इसके बारे में। जैसे मेरे पास कोई यहाँ पे सीरीज लिखी गई है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2, उसके बाद मैंने लिखा 4, फिर है 6, उसके बाद है 8, और लास्ट में आपके पास यहाँ पे गैप दे दिया जाता है। या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे एक क्वेश्चन और 10, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है 20, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 30, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे 40, और उसके बाद मैंने यहाँ पे गैप दे दिया। एक क्वेश्चन में और यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिसमें मैंने लिखा यहाँ पे 9, मैंने यहाँ पे लिखा है 9, उसके बाद आएगा यहाँ पे 16, उसके बाद आ जाएगा 25, उसके बाद आ जाएगा 36, और आगे मैंने यहाँ पे गैप दे दिया। तो ये हमारे जो है वो नंबर सिस्टम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें फर्स्ट में आपको हर बार ज्यादातर गैप चेक करना है। जैसे यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 2 का गैप है, फिर 4 से 6 में भी 2 का गैप, 6 से 8 में भी आपका 2 का गैप, तो अगले वाले में भी आपको 2 का ही गैप लेना है, क्योंकि आपका ये जो पैटर्न है ये प्रॉपर बन गया है, 2 2 का पैटर्न है, तो नेक्स्ट वाले में भी 2 का पैटर्न आप लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 10। यहाँ पे जब आप गैप कैलकुलेट करेंगे तो 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, तो ज्यादातर है कि अगले वाले में भी क्या आएगा, 10 का ही गैप आएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50। अब वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है उसमें 9 और 16 का आप गैप ले सकते हैं, 16 और 25 का गैप ले सकते हैं, 25 और 36 का गैप ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे गैप से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, या फिर इसके लिए हमारे पास एक और मेथड है। ये जो 9 है ये आपका रहता है 3 का स्क्वायर, ये जो 16 है ये आपका रहता है 4 का स्क्वायर, 25 है आपका 5 का स्क्वायर, और 36 रहता है आपका 6 का स्क्वायर। तो आपको पैटर्न क्या मिला, मैंने जो सीरीज चलाई है वो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अगला जो आएगा वो आएगा 7 का स्क्वायर, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 49। तो इस वे से हमारे जो है वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन रहते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं। वैसे ही नेक्स्ट पार्ट में हम अल्फाबेट सीरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे ए बी सी डी और आगे गैप, तो इसका आंसर आएगा आपके पास ई। तो ये हम नेक्स्ट टाइप 2 में हम इसको कवर करेंगे। सो आज की क्लास जो है वो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। साथ साथ में आप अपनी कॉपी में जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो को पॉज आप करें, और साथ में इसके आंसर जो है वो आप निकालें, फिर चेक करें कि क्या जो आपने आंसर निकाला है क्या वो आपका करेक्ट है या फिर वो रॉन्ग आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 49, 46, 43, 40 गैप और 34। तो जब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, ये आपके पास 49 है, उसके बाद है आपके पास 46, उसके बाद है 43, उसके बाद है 40, उसके बाद गैप है और लास्ट में है 34। तो जब 49 से आप 46 में वापिस आएंगे तो कितना आप पीछे आए, 3 पीछे आए। 46 से 43 में भी कितना पीछे आए, 3 पीछे आए। 43 से 40 में भी कितना पीछे आए, 3 पीछे आए। तो आपको पैटर्न क्या पता चला कि आप सब में 3 3 जो है वो माइनस कर रहे हैं, 3 पीछे आ रहे हैं, तो 40 में से भी कितना आपको माइनस करना है, 3 माइनस करना है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है 37, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर बी। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी क्लर्क और टेक्निकल के ही एग्जाम के लिए जो है वो बनाए गए हैं, ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो सके, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन जो है वो आर्मी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो साथ साथ में आप हमारे साथ बने रहें।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका 37 है। आई होप आप सभी का भी आंसर 37 आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास जो सीरीज दी गई है 46, 41, 35, 30 गैप, 19 और 13। तो साथ साथ में आप करते रहें, ऐसा कौन सा पैटर्न जो है वो यहाँ पे हमारा लगेगा। आपको एक पैटर्न जो है वो आपका एक परफॉर्म होना चाहिए जो आपका प्लस में लग सकता है, माइनस में लग सकता है, प्लस या माइनस बोथ में भी वो आपका लग सकता है। एक सीक्वेंस जो है वो पैटर्न की वो आपकी बननी चाहिए, तभी वो आपका पैटर्न 101% वेरीफाई हो पाता है। यहाँ पे आप 46 से 41 में आएंगे तो आप कितना पीछे आए, यहाँ पे आप माइनस के 5 आए, 5 आपने कम किए। फिर 41 से 45 में आएंगे, सॉरी 35 में आएंगे तो आप 6 कम आए। 35 से 30 जब आप आएंगे तो फिर से 5 कम आएंगे। अब यहाँ पे तो आपको गैप पता नहीं है इस अननोन नंबर का, इस अननोन नंबर से 19 का गैप पता नहीं है, लेकिन 19 से 13 का आपको पता है। 19 में से 6 चले गए तो आपके पास 13 आ गए। तो कहीं ना कहीं पे सीरीज जो है वो 5 6 5 6 5 6 कुछ ऐसे चली। अगर मैं इसको यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे अगर मैं बनाने की ट्राई करता हूँ कि किस वे में सीरीज जो है वो हमारी बन सकती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे 5 लिया था, फिर 6 है, फिर 5 है। अगर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे -6 लिखता हूँ, यहाँ पे -5 लिखता हूँ, तो ये मेरा पूरा का पूरा एक पैटर्न सॉल्व हो गया। यहाँ पे है 5 6 5 6 और 5 6, तो कहीं ना कहीं पे ये माइनस के 6 का गैप रहेगा। 30 में से 6 आपके जब जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 24, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साथ साथ में आप क्वेश्चन को करते रहिए, चेक कर सकते हैं आप कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है 14 17 21 24 28 और 31। गैप आप यहां पे चेक करें साथ में, ताकि आपको यहां पे पता चल जाए कि कितने का हमारा गैप जो है वो यहां पे चला है। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 14 और कितने हमारे जो है वो 17 होते हैं, तो वो होते हैं प्लस के 3, 17 और 4 होते हैं 21, 21 और 3 फिर से 24, 24 और 4 28, 28 और 3 31। तो पैटर्न क्या चला, 3 4 3 4 3, तो अगला क्या आएगा ऑटोमेटिकली 4 का आएगा, तो 31 और 4 हमारे रहते हैं 35। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 35 यहां पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी आप जल्दी से ट्राई करें क्या हमारा आंसर रहता है। 108, 104, 100, फिर 96 और 92 और गैप। आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर भी, जिसमें आर्मी से रिलेटेड हम आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट लिखी गई है www.vijaypatheducation.com। सो आपके सामने ये जो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इसके ऊपर जाके आप जो है वो आर्मी जीडी क्लर्क और टेक्निकल के मॉक पेपर या फिर चैप्टर बाय टेस्ट जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। साथ में आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज जो है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, 108 में से 104 के बीच का जो आपका गैप रहता है वो है 4 का, फिर यहाँ पे भी आपके पास गैप 4 का, यहाँ पे भी 4 का और यहाँ पे भी 4 का। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 हैं ये प्लस के हैं या माइनस के, तो ये माइनस है क्योंकि सीरीज आपकी वापस जा रही है, रिवर्स में जा रही है। इसलिए 92 से जब 4 चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 88। तो 88 आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है आपके पास 9 13 18 24 31 और गैप। तो यहाँ पे भी आप चेक करें कि क्या आपके पास करेक्ट आंसर बनता है। आपके पास सीरीज दी गई है 9 13, उसके बाद है 18, फिर है आपके पास 24 और उसके बाद है 31। तो यहाँ पे आप चेक करें कि किस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा रहेगा। पैटर्न आप लगाएं, 9 और 4 हमारे 13 रहते हैं, फिर 13 और 5 हमारे 18, फिर 18 और 6 24, 24 और 7 31। तो आगे आपको पैटर्न मिल गया, +4 +5 +6 +7, तो अगला ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, प्लस के 8 रहेगा। तो 31 और 8 हमारे पास कितने रहते हैं, 39। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। साथ साथ में यहाँ पे आप ट्राई करते रहें
हमारा आंसर जो है वो 39 यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आप साथ साथ में गैप चेक करें कि क्या हमारा गैप रहता है। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि आपके स्पेशल रहेंगे जीडी के लिए, उसके बाद स्पेशल आपके टेक्निकल के लिए और साथ में क्लर्क के लिए। तो इन तीनों के तीनों एग्जाम के लिए आपके जो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन जो है वो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इन एग्जाम के साथ साथ अगर आप किसी अनदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन मेथड जो है वो आपका कभी चेंज नहीं होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये जो आपका 2+2 है ये हर किसी एग्जाम के लिए आपका 4 रहेगा, चाहे आप जीडी का टेस्ट दे रहे हैं, टेक्निकल का, क्लर्क का, पुलिस का, या फिर एसएससी का, बीएसएफ का, आईटीबीपी का, डिफेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, किसी का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ये आपका सेम ही चलता है। इसलिए आप टेंशन ना लें कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको कराए जा रहे हैं, कि वो ज़्यादा हार्ड हैं या ज़्यादा इजी हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन जो आपका पैटर्न है वो हर बार जो है वो आपका सेम टू सेम ही रहता है। सो इस क्वेश्चन के ऊपर जब हम गैप को चेक करेंगे तो आपका गैप आएगा -6, फिर से -6 आएगा, उसके बाद फिर से -6, तो यहाँ पे भी आपको कितना लेके जाना है, -6 लेके जाना है। 174 में से जब आपके 6 चले गए तो आपके पास आया 168, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। साथ साथ में आप कमेंट जरूर करें कि किस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर जो है वो निकाल रहे हैं। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप यहाँ पे जो है वो कमेंट बॉक्स में बता के पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है 9, 28, फिर है 86, उसके बाद है 261, उसके बाद है 787 और यहाँ पे है गैप। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जब आप गैप निकालेंगे तो हो सकता है ये आपका क्वेश्चन प्रॉपरली मेथड को फॉलो ना करे, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ ढूंढनी है जिससे आप डायरेक्ट ये पता करें कि क्या उस क्वेश्चन में गैप निकाला जाएगा, या फिर उसमें स्क्वायर का पैटर्न है, या फिर उसमें क्यूब का पैटर्न है, या फिर उसमें मल्टीप्लाई का पैटर्न है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, जब भी स्टार्टिंग वाली वैल्यू काफ़ी छोटी है एज कंपेयर टू लास्ट वैल्यू, अब यहाँ पे स्टार्टिंग की वैल्यू है 9 और लास्ट वैल्यू है 787, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो इसलिए हमेशा यहाँ पे या तो स्क्वायर का पैटर्न लगता है, या तो क्यूब का, या तो फिर ज़्यादातर मल्टीपल का पैटर्न लगता है। तो आपको जुगाड़ लगाना है कि आप इस 9 को 28 कैसे बना सकते हैं, तो आपको पता है 9 को 3 से गुणा करूंगा 27, 27 और 1 28, फिर 28 को जब मैं आपको जुगाड़ लगा के ही करना कि आपको 86 बनाना 28 से, तो 28 को मैं 3 से करता हूँ तो 85 आता है, सॉरी 84 आता है, 83 24, हाँ 84 आता है, और 84 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 86 आ जाएगा, 86 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी जब आप उसमें 3 ऐड करेंगे तो 261, तो अगले में आपको पैटर्न ऑटोमेटिकली मिल जाएगा यहाँ पे इंटू 3 और प्लस के 4, तो पैटर्न क्या मिला, इंटू 3+1 इंटू 3+2, मतलब कि इंटू 3 तो आपको सब में करना ही है लेकिन उसके बाद कहीं +1 फिर +2 +3 +4, तो अगले में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे बनना है 2, 3, 6 और 6, जो कि आपके ऑप्शन ए में यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है आपके पास 152, 164, 176, 188, गैप एंड 212। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ये स्टार्टिंग की वैल्यू 150 के आसपास है और लास्ट वाली वैल्यू 200 के आसपास है, तो ज़्यादा गैप नहीं है, तो यहाँ पे आपका सिंपल गैप प्लस या माइनस से आपका प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे आपके पास जब गैप आएगा तो वो आपके पास है 12 का गैप, 164 से 176 में जाएंगे फिर से 12, यहाँ पे 166 से 188 में जाएंगे फिर से 12 का गैप, तो अगले वाले में भी कितना का गैप लेना है, 12 का ही गैप आपको लेना है। तो जब आप 12 ऐड करेंगे 188 में तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 100। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन फिर से इजी है क्योंकि स्टार्टिंग की वैल्यू छोटी है, लास्ट वाली भी उसके कंपैरिजन में नियर अबाउट है, इसलिए प्लस या माइनस का ही पैटर्न लगेगा। तो 17 और 2 हमारे 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। तो पैटर्न क्या मिला? प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, तो अगले में क्या आएगा? प्लस 2। तो पैटर्न आपका बनना चाहिए, तो 27 और 2 हमारे हो गए 29। तो आपका 29 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट रहता है वो भी आप साथ साथ में पूछ सकते हैं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे ही चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास 14, 18, 21, 25 एंड 28। फिर से आप पैटर्न लगाएंगे, 14 और 18 के बीच 4 का गैप है, यहां पे है आपके पास 4 का गैप। फिर 18 और 21 के बीच है आपके पास 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28। तो पैटर्न मिल गया, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, तो अगला ऑटोमेटिकली प्लस के 3। तो 28 और 3 हमारे 28, सॉरी पैटर्न यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया, यहाँ पे 3 का पैटर्न नहीं आएगा, 4 3 4 3, तो अगला 4 आएगा फिर। तो 28 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे? 32, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे बिल्कुल फिट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 3 10 39 गैप, और उसके बाद है आपके पास 1 1 7 5। तो देखने से आपका क्या पता चल रहा है? स्टार्टिंग की वैल्यू छोटी, लास्ट वाली काफी बड़ी है, तो इसलिए 101% आपका या तो स्क्वायर या तो क्यूब या तो फिर आपका मल्टीप्लाई का ही पैटर्न यहां पे चलेगा। आप हिट एंड ट्रायल का मेथड भी यहां पे यूज कर सकते हैं। तो मैं 2 को 3 कैसे बना सकता हूं? अगर पहला मेथड तो मेरे पास ये है कि इसको मैं इंटू 2 करता हूं, तो 4 बना, सॉरी यहां पे अगर मैं इसको इंटू 1 करूं, 2 इंटू 1 2 और प्लस के 1 कर दिया तो 3 बन गया। फिर 3 को मैं 2 से करता हूँ तब नहीं बनेगा, 3 से करता हूँ तो 9 बनेगा यहाँ पे, तो ये प्रॉपर यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। इंटू 1 से तो मैं नहीं करता, इंटू 2 से जब मैं ट्राई करूंगा इंटू 2, तो 4 माइनस के 1 3 आ गए। यहाँ पे इंटू 3 करूंगा 9 और प्लस के 1 तो 10 आ गए। फिर 10 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से 40 और माइनस के 1, तो मेरे को पैटर्न यहाँ पे मिल गया, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो अगले में ऑटोमेटिकली क्या आएगा? इंटू 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस 1 आएगा। 39 को 5 से जब आप गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी उसमें आपको एक क्या करना है? ऐड करना है, वही आपका राइट आंसर है। अब मैं आपको मल्टीप्लाई का एक छोटी सी आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, जिसकी हेल्प से आप इंटू 5 जो है वो जल्दी से सीख जाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 12 को 5 से गुणा किया है, तो आंसर क्या आएगा? आपको पता है कि आंसर जो है वो 60 आना, लेकिन आया कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, 32 को 5 से गुणा करना है, क्या रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में वैल्यू लिखी है 12, इसका आधा जो है वो आपको लिखना है और इस 5 की आपको लगा देनी है 0, आंसर बन जाएगा। 32 को 5 से करना है, 32 का आधा होता है 60 और 5 की लग जाएगी 0, तो ये आपका 160 बन गया। लेकिन जब आपके पास ओड नंबर आता है तब आप क्या करेंगे? तो 39 का आधा कितना होता है? 39 का आधा आपका होता है 19.5। तो जब इस 5 को आपने यहाँ पे नीचे मैंने बोला था पॉइंट आपको 0 लगानी है, लेकिन इस जब कोई वैल्यू पॉइंट में टूटती है तो आपको उसका पॉइंट यहाँ पे हटाना है, बस आपको ये ध्यान रखना। तो आंसर कितना आ गया? 195। तो 195 और प्लस 1 196, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 5 11 23 एंड गैप। सो क्वेश्चन आपके पास जो दिया है आप इसमें गैप से भी चेक कर सकते हैं, और अगर गैप यहाँ पे नहीं लगता है तो फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल भी लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल लगाऊंगा, इंटू 2 और प्लस के 1, फिर यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1,
और 11 को 2 से करूंगा तो 22 और 1 23, तो पैटर्न मिल गया इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पे इंटू 2 किया, 23 का डबल 46, 46 और 1 आंसर आएगा 47, तो आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपके पास 2, फिर 3, फिर 7, उसके बाद 16 और उसके बाद है 32 और आगे है गैप। अगर मैं गैप से चेक करता हूँ तो ये गैप आएगा 1 का, फिर आपके पास आएगा 4 का, फिर आएगा 7 और 7 14 और 2 16, मतलब 9 का 16 और 16 32, 16 का यहाँ पे आपको गैप चेक करना है। तो ये जो 1 4 9 16 यहाँ पे लिखा है, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं पे स्क्वेयर चले हैं। ये 1 का स्क्वेयर होता है, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, तो वैसे अगला आएगा 5 का स्क्वेयर, मतलब कि 25। तो 32 और 25 कितने होते हैं, 5 और 2 7 और 2 और 3 5, तो आंसर आएगा 57, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे रहा है। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक आप वीडियो को नहीं करते हैं, लाइक आप जरूर करें, तभी मैं जल्दी से जल्दी जो है वो आपके सारे के सारे रीजनिंग के चैप्टर जो है वो मैं आपको इसकी फुल वीडियो जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपका कोई भी डाउट जो है वो यहाँ से बिल्कुल भी रह ना पाए, ताकि आप एग्जाम में जो 101% आप अपने मार्क्स जो है वो वहां पे लेके आए, आप गलती से भी वहां पे गलती ना कर सकें। अगला क्वेश्चन है 14, उसके बाद है 17 और यहाँ पे है 20 और है गैप। तो गैप से आप इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले 8 से लेके 11 तक आपके पास 8 और 3 11, 11 और 3 14, फिर 14 और 3 17, 17 और 3 20, तो पैटर्न आपको मिल गया। अगले में भी 3 ऐड करेंगे तो 20 और 3 आपके हो गए 23। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है 18, फिर है 14, फिर है 10, फिर है 6 और गैप। तो पैटर्न क्या चला, माइनस के 4 कर दिए, फिर 14 में से माइनस 4 किए तो 10 आएगा, 10 में से माइनस 4 किए तो 6 आएगा, तो अगले में भी क्या करेंगे, माइनस के 4 करेंगे, तो माइनस के 4 करने पे 6 में से 4 चले गए, आंसर आ गया 2। तो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे 14 है, उसके बाद है आपके पास 22, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास ये 22, 37, नया पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 61, 96 और गैप। आप यहाँ पे गैप निकालो, 14 और 8 आपके हो गए 22, 22 और 10 आपके 32, 32 और 5 37, मतलब कि 15 का गैप है, 37 और 24 आपके बन गए 61, 61 में से आपको 96 तक जाना है तो ये आपके बन गए 35, ये आपके पास गैप यहाँ पे निकल के आया। लेकिन मेरे को इसकी ना कोई सीक्वेंस यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कि ये 8, 15, 24, 35 लिया तो किस हिसाब से लिया है। तो यहाँ पे एक पैटर्न तो आपका ये स्क्वायर का लग सकता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है बट 8 लिखा है, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है 15 लिखा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 24 लिखा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 35 लिखा है। इसका मतलब स्क्वायर में से एक कम करके लिखा है, तो अगले वाले में 7 का स्क्वायर 49, 49, 49 में से एक कम करेंगे तो 48 ही आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इसको दूसरे मेथड से चेक करेंगे, जब किसी क्वेश्चन में एक सिंगल गैप से काम ना बने तो आपको उसका एक बार फिर से गैप लेना। तो 8 और 7 15, 7 और 9 24, 24 और 11 35, तो पैटर्न क्या मिला, 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो 11 और 13 ये आपका पैटर्न मिल गया, तो 35 और 13 आपके 48, यहां से भी क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। तो 96 और 48 आपके बनेंगे 144, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आपके सामने जो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप अपना डाउट भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपकी ज़रूर यहाँ पे हेल्प की जाएगी। साथ में आप विजयपथ एजुकेशन .com से मॉक टेस्ट पेपर जो है वो आप परचेज कर सकते हैं।
साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो आर्मी से रिलेटेड डेली आर्मी बूस्ट क्वेश्चन जो है वो आपको भेजे जाते हैं, जिसमें हर पीडीएफ में जो है वो आपको 10 क्वेश्चन का जो है वो एक एग्जाम जो है वो वहां पे देखने को मिलेगा। सो उससे आपकी तैयारी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 263, 277, 290, 302, 313 एंड गैप। जल्दी से आप चेक करें कितने कितने का गैप है। यहाँ पे 63 और 77 में आपका गैप बनेगा 14 का, 77 से 290 का आपका गैप बनेगा यहाँ पे 13 का, 290 और 302 का बनेगा 12, फिर यहाँ पे बनेगा आपके पास 11। तो आपके पास सीक्वेंस मिल गई, आपकी सीरीज आगे जा रही है, 200 से 300 तक जा रही है। तो यहाँ पे 14 का गैप, 13 का, 12 का, फिर है आपके पास 11 का, तो अगला कितने का आएगा, 10 का। तो 313 और 10 कितने हो जाते हैं आपके पास, 323। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 143, 139, उसके बाद है आपके पास 134, 128, 121 एंड गैप। ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो जब आप यहाँ पे गैप चेक करेंगे तो 143 और 139 के बीच है आपके पास 4 का गैप, क्योंकि रिवर्स में आ रहे हैं तो माइनस आप जरूर लगाएं। 39 में से 34 चले गए तो 5 का गैप है, यहाँ पे है आपके पास 6 का गैप और यहाँ पे है 7 का गैप। तो अगले में ऑटोमेटिकली कितने का रहेगा, जल्दी से आप कमेंट जरूर करें। 8 का गैप यहाँ पे रहेगा, 121 में से 8 चले गए तो आपके पास आंसर कितना आना है, 113 आना है। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आर्मी जीडी क्लर्क और टेक्निकल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें मैं आज हम आपको टाइप वन में आपका पूरा का पूरा कवर करूंगा, जो कि आपके नंबर से रहेगा। और सेकंड जो आपकी वीडियो रहेगी उसमें मैं अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे कराऊंगा, ताकि सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो पाए। अगला है 369, उसके बाद है 15, उसके बाद है 24, फिर है 39 और गैप। आप यहाँ पे गैप चेक कर सकते हैं कितने कितने का गैप है। स्टार्टिंग में यहाँ पे है आपके पास 3 का गैप, उसके बाद अगले वाले में भी आपके पास है 3 का गैप। यहाँ पे आप चेक करें, ये है 3 का गैप, फिर 6 और 9, फिर से 3, सॉरी 6 और 3 9, फिर 9 और 6 15, फिर 15 और 24 में तो 6 का गैप है नहीं। तो यहाँ पे ये गैप वाला सीरीज जो वो हमारी फेल हो सकती है। तो फिर कोई एक नया पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा, जिसमें आप स्क्वायर या क्यूब का पैटर्न लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर का और क्यूब का पैटर्न जो है आपको यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पे चेक करते हैं दोबारा से, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता दोबारा से, अगर स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न भी अगर यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप यहाँ पे इन सबको ऐड करो। 3 और 6 कितने हो गए, 9, 6 और 9 कितने हो गए, 15, 9 और 15 कितने हो गए, 24, फिर 15 और 24 कितने हो गए, 39। तो ये जो सीक्वेंस है आपस में ही प्लस कर रहे हैं हम इसको, तो 24 और 39 कितने हो जाएंगे हमारे। तो जब आप 24 और 39 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 63। मैंने इन सबको ऐड किया, 3 और 6 कितने हो गए, 9, फिर 6 और 9 कितने हो गए, 15, फिर 9 और 15 कितने हो गए, 24, फिर 15 और 24 कितने हो गए, 39। तो वैसे 24 और 39 कितने हो गए, 63। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं। अगला जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, क्या इसका करेक्ट आंसर रहता है। क्वेश्चन में है 46, 56 गैप है, उसके बाद फिर है 79, 92 और 106। यहाँ पे आपके पास गैप दिया गया है प्लस के 10 का, अगला गैप आपको पता नहीं है। 79 और 92 के बीच जो आपका गैप रहता है 9 और 3 12, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा
एक और 13 का, 13 का गैप आपके पास रहेगा और यहाँ पे आपके पास गैप रहेगा 14 का, तो पैटर्न कहीं ना कहीं पे आपका फिट हो जाएगा। 10, 10 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 12 और ऑटोमेटिकली आगे आ गया 13 और 14। तो यहाँ पे 56 और 11 आपके पास कितने होते हैं 67, और 67 और 12 आपके पास हो गए 79। तो आपका जो करेक्ट आंसर वो आपका रहेगा वो है ऑप्शन बी 67। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाएं ताकि नई वीडियो जब भी आपके पास मैं लेके आऊंगा तो सबसे पहले आप उसको देख सकें। और आपका जो डाउट है या फिर रीजनिंग का जो डर है वो सारा का सारा आपका खत्म हो जाए। अगले क्वेश्चन में भी जल्दी से आप गैप निकालें, मैं यहीं पे गैप निकाल रहा हूँ। 36 और 5 41 होते हैं, 41 और 6 47 होते हैं, अगला गैप मेरे को पता नहीं है। 62 में से जब मैं लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा 9 का गैप, तो अगला फिर से 7 और यहाँ पे आएगा 8। तो डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है 5 6 7 8 9 के गैप का हमारा पैटर्न चला है। 47 और 7 हमारे पास बनते हैं 54, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पे लिखे गए हैं। अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 36 41 47 गैप 62 और 71। फिर सेम क्वेश्चन आपके पास रिपीट हुआ है, सो इसका तो करेक्ट आंसर आपका 54 ही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 7 19 42 और 87। अब यहां पे कहीं ना कहीं पे आपके पास जो है वो कहीं ना कहीं पे स्क्वायर का पैटर्न जो है वो लगा है। आपके पास जो यहां पे सीरीज लिखी गई है ये है 7 19 42, उसके बाद है आपके पास 87 87 और है गैप। तो जब आप फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा गैप है, इसलिए कहीं ना कहीं पे इनटू का ही केस चलेगा। मल्टीप्लाई 2 किया 14, 14 और 5 कितने 19, 19 को 2 से किया 38, 38 और हमारे 4 42। फिर 42 को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 84, 84 और 37। तो पैटर्न क्या चला, सब में मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं वो मैंने कर दिया, पहले +5 फिर +4 +3, तो अगले में ऑटोमेटिकली क्या आएगा +2 आएगा। तो 87 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा 176। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। 3 7 16 और 35, क्या इसका करेक्ट आंसर आपके पास रहता है? यहाँ पर भी आप गैप से चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर बन के आ रहा है या नहीं बन के आ रहा है। अगर बन के नहीं आता है तो फिर आप मल्टीप्लाई के पैटर्न को फॉलो करें, बट मल्टीप्लाई का पैटर्न यहाँ पे लग सकता है। 3 को 2 से किया, मल्टीप्लाई 6, 6 और 1 7, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। 7 को 2 से करेंगे तो 14, 14 और 2 16, 16 को 2 से करेंगे तो आता है 16 को 2 से करते हैं 32, 32 और 3 35। तो पैटर्न मिल गया, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो अगले में क्या लगेगा ऑटोमेटिकली इंटू 2 प्लस के 4, 35 का डबल 70, 70 और 4 74, 74 हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न का मैंने दिया है, आप माइनस से यहाँ पे ना डरें कि क्वेश्चन में जो है वो पॉइंट ही पॉइंट आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, उससे आप यहाँ पे ना डरें। आप क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ माइनस के 0.2 माइनस के 0.05 गैप है उसके बाद, तो जब आप यहाँ पे गैप चेक करेंगे तो गैप आपके पास आएगा 0.15 का, यहां पर भी गैप 0.15 का और यहां पर भी गैप 0.15 का। गैप आप जरूर चेक करें, जब आप यहाँ पे 0.15 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 0.1, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस हिसाब से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आपके पास दिया गया है। 400 फिर माइनस के 200 फिर 100 फिर गैप
फिर है आपके पास प्लस के 25 और माइनस के 12.5। मैंने किया क्या, 400 का आधा 200, 200 का आधा 100, तो 100 का आधा कितना आएगा 50, फिर 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। और यहाँ पे प्लस माइनस का क्या सिस्टम, क्योंकि 50 मेरे पास ऑप्शन तो है लेकिन डबल में है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो देखो ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, ये प्लस की तो ये ऑटोमेटिकली माइनस की, ये प्लस की तो माइनस की, तो 50 आएगा माइनस वाला, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगले क्वेश्चन को आप चेक करें, क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 127, फिर है 63, फिर 31, 15 और 7, ये रिवर्स ऑर्डर में आपको दिया गया है, गैप से आप चेक कर सकते हैं, गैप से हो सकता है आपका आंसर यहाँ पे निकल आए। चेक करते हैं, 7 और कितने 15 होते हैं, 8 15, फिर 15 और 16 31, 31 और 32 63, 63 और 64 127। तो पैटर्न क्या चला है, यहाँ पे हम रिवर्स में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, तो 8 का आधा क्या आएगा 4, तो 7 में से 4 चले गए, तो आंसर आपका आएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रहेगा। सो लास्ट के हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं, यहाँ पे मैं इन क्वेश्चन को आपको डिस्कस नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बट मैं आपको आंसर यहाँ पे बता दूंगा, आप इसको पैटर्न को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर कुछ टाइम में अगर आपका इसका आंसर जो है वो नहीं निकल पाता है, तो मैं वहाँ पे कमेंट में इसके पैटर्न को जो है वो मैं पिन कर दूंगा, जहाँ से आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आना चाहिए, आपको इसका जो पैटर्न है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, इसका भी पैटर्न जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ में आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है कि 190 है, 220 है, 180 है या फिर 210 है। तो आपको ज़रूर इस क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट करें, वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर यहाँ पे शेयर करें, साथ में आप हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के साथ आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपके सामने ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, PDF, स्टडी मटेरियल, आर्मी से रिलेटेड बूस्टेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। साथ में अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, तो www.vijaypatheducation.com पर आप जाएं, वहाँ से आप अपने लिए GD, क्लर्क, टेक्निकल या अदर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आप आर्मी, GD, क्लर्क या टेक्निकल के लिए अग्निवीर 786 अगर आप कूपन कोड का यूज़ करते हैं, तो आपको 25% का जो है वो डायरेक्ट वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।